वेलकम टू राज ट्रैवलिंग क्लासेस। कैसे सभी बच्चे? यू आर गुड? ओके बच्चे, चलिए आ जाइए और आज हम शुरू करते हैं क्लास 12 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था सर, प्लीज स्पीक लाउड। ओके, बिल्कुल नीरज, आवाज प्रॉपर आएगी। आ जाइए। सर देखो, कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों इम्प्लांटेशन और पार्टनरशिप को समझ लिया था। यस, और हम बात कर रहे थे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके आइए, तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है बच्चों? एक बार सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लो। हम बात कर रहे हैं बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है? और मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम ये समझना चाह रहे हैं कि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो बेटा बहुत कॉन्सेप्ट से समझा शुरू। सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और आप लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले भी सुना है क्या? बिल्कुल सुना है बेटा। जब आप क्लास 10th में थे, जब आप क्लास 11th में आए, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा फिनोमिना है, एक ऐसा साइकिल है जो हर मंथ चलता रहता है, ठीक है बच्चों? हर मंथ चलता रहता है। तो इसको सबसे पहले आप कैसे समझेंगे कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे पहले तो एक मंथली प्रोसेस है। सर, एक मंथली प्रोसेस है। इतना क्लियर है बच्चों कि सर एक मंथली प्रोसेस है और इस मंथली प्रोसेस के अंदर अगर हम देखें बच्चों, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे क्या होता है कि इस मंथली प्रोसेस में कुछ चेंजेस आते हैं। फीमेल के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, उनको समझेंगे हम। तो मंथली प्रोसेस है सर मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये प्राइमेट्स में पाया जाता है। प्राइमेट्स। मंथली का क्या मतलब है ये समझो। जैसे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, आप वाटर कंज्यूम करते हैं तो वाटर का बिल आता है, मिल्क यूज करते हैं तो मिल्क का बिल आता है। तो यानी वो मंथली प्रोसेस है। ऐसे ही फीमेल के अंदर हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आना है, ठीक है? वो एक शुरुआती एज से लेकर के कब आता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, कब शुरू होता है वो, ठीक है बच्चों? तो आप लोगों को ये समझना है यहाँ पर, है ना? ओके, तो इसके अंदर हमको समझना है कि मंथली प्रोसेस होता कैसे। तो देखो, तो सर ये मंथली प्रोसेस है जो प्राइमेट्स में होता है। तो प्राइमेट्स कौन है? प्राइमेट्स में बच्चों ह्यूमन। बोलो, हम हैं प्राइमेट्स। क्यों हैं हम प्राइमेट्स? बिकॉज वी आर वेल डेवलप्ड ब्रेन, वेल डेवलप्ड ब्रेन, कि इनके पास वेल डेवलप ब्रेन है इसलिए इन्हें प्राइमेट्स कहा जा रहा है। क्लियर है यहां तक बात बच्चों? एक बात हम सब हो जाए, सब चीज क्लियर है तो समझ में आ रही है मैं आपको जो स्टेप टू स्टेप चीजें बता रहा हूं, ठीक है? ओके बच्चों, ठीक है, अब आओ सुनो। तो प्राइमेट्स ह्यूमन यानी वेल डेवलप ब्रेन है जिनके पास बहुत ज्यादा विकसित है। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल अब होगा कि में प्राइमेट्स, लेकिन प्राइमेट्स में भी कौन? फीमेल। ये बात थोड़ी याद करने वाली कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल फीमेल में होगा, मेल में नहीं होगा। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को बनाया क्यों गया?
ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जरूरी है बेटा ओव्यूलेशन के लिए। लिख लीजिए बच्चों इस बात को कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल किस लिए जरूरी है, ओव्यूलेशन के लिए। जो प्रोडक्ट बॉडी में बन चुका है उस प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर लाने के लिए हमें ओव्यूलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, उनको ओव्यूलेशन करना पड़ेगा। और जब वो ओव्यूलेशन होगा तो उसी से वो ओवम बाहर आएगा और स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होगा। इतना क्लियर होगा ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें ओव्यूलेशन को बाहर लाया जाएगा और उसके बाद सर वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट आप लोगों का यहां तक? आई होप क्लियर है, समझ में आ रही है वाली बात। ठीक है, आप सुनो तो सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कब शुरू होता है, फीमेल की उम्र क्या रहनी चाहिए, फिर फीमेल की बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, और फिर उसके बाद सर ये कब तक चलता है और ये क्या क्या इवेंट लाता है, तो वो सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे कि सर इसमें क्या क्या चेंजेस होता है। क्लियर है बच्चों यहां तक का? आवाज आ रही है ना तब तो मेरी? ओके, तो देखो सुनो बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत फीमेल में 12 से 13 साल पर हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत फीमेल्स में 12 से 13 साल पर शुरू हो जाती है और इसे कहते हैं बेटो मेनार्क। लिख लीजिए मेनार्क। ठीक है, मेनार्क का अगर मैं सीधा सीधा मतलब समझूं तो मेनार्क क्या कहता है, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना क्लियर है बच्चों कि सर वो स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो एक वर्ड देते हैं मेनार्क। याद करना है बच्चों, मेनार्क इज अ स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब समझो आगे। इसके बाद आप लोगों को क्या समझना है, एक तो होते हैं बेटा प्री फॉल जो स्टेजेस होते हैं, तो उसके अंदर समझो, देखो समझो सर ये एक ओवरी है, दिस इज ए ओवरी, और इस ओवरी में भरे हुए हैं ओगोनिया। क्या भरे हुए हैं बच्चों? ओगोनिया। और याद करो फीमेल ओवरी में जो ओगोनिया भरे हुए होते हैं वो बिफोर बर्थ होते हैं बच्चों, बिफोर बर्थ फॉर्मेशन हो जाता है उनका। याद आ रहा है लोगों को कि सर जन्म से पहले ही फीमेल के पास ओगोनिया बन चुके होते हैं, बर्थ फॉर्मेशन यानी बिफोर बर्थ हो जाते हैं, लेकिन इनको बाद में एक मैच्योर एग में जो बदलता है, मैच्योर एग में जो बदलता है उस फेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मैं क्या लिख दूं, ओगोनिया कन्वर्ट्स इनटू मैच्योर ओवम इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। लो अभी क्लियर है क्या, ओगोनिया से मैच्योर ओवम बनने के प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं कि वो प्रोसेस बनता है सर ओजेनेसिस में, लेकिन वो प्रोसेस कंप्लीट किसके थ्रू होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू कंप्लीट होता है।
इतना क्लियर है क्या? चल अब हम यहाँ पर कुछ फिनोमेना समझेंगे और उन चीजों को हम एक ग्राफ से समझेंगे। बच्चों मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं और आप लोग उस ग्राफ को देखें। देखो देखो बच्चों, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को तीन फेजेस में डिवाइड करेंगे। रिपीट। ओके मेरी बात सुनो वापस से बच्चों। देखो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को तीन फेजेस में डिवाइड करेंगे। बोलो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने फेजेस में डिवाइड करेंगे? तीन फेजेस में डिवाइड। एक तो होता है प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल, और एक होता है बच्चों पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इतना क्लियर है क्या? एक तो होता है बच्चों प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक होता है पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हो प्री फॉलिकुलरी फेज, प्री प्रोलिफेरेट स्टेज, या ऐसे कह सकते हो आप पोस्ट प्रोलिफेरेट स्टेज। ठीक है बच्चों, यानी शरीर में मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले क्या इवेंट आए और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद क्या इवेंट आएंगे इन दिनों के अंदर। देख क्लियर है बच्चों यहां तक का? पहला प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी प्री प्रोलिफरेटरी स्टेज कहो या तो आप इसको, दूसरे को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहो और तीसरे को आप क्या कहोगे बच्चों? पोस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या प्रोलिफरेट स्टेज। अब इसका दिन कितने दिन का होता है? सर ये 28 डेज का होता है। बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड कितने दिन का होता है बच्चों? 28 डेज, यानी 28 दिन में ये सारे इवेंट यहां होते हैं और उन इवेंट्स को अपन समझते हैं। ओके क्लियर है ना? प्रिया यादव, जीतूकांत, रक्षा, बताओ बच्चों क्लियर है क्या? यशवंत, चेतराम, मोनिका, ओके बेटा। चल अब आप क्या करो, एक ग्राफ बना रहे हो तो उस ग्राफ का सबसे पहले हम समझते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। तो बेटा हम नीचे उसके अंदर देखते हैं पहले। ये ग्राफ बना रहे सबको दिखाई दे रहा है ना बच्चों ग्राफ? ठीक है ओके। अब इसमें डेज लिख दो बच्चों, यहां जीरो से शुरू कर दे तो एक दो तीन पांच सात नौ बारह तेरह पंद्रह अठारह बीस और 28 और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बताओ सुन, मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का था? 28 दिन का। 28 दिन में कुछ चेंजेस होंगे क्या? हाँ होंगे। तो देखो सबसे पहले अपन समझते हैं यहां पर कि इसमें जो एंडोमेट्रियम वॉल होती है या आप इसको कह सकते हो वजाइनल पार्ट के अंदर एक लेयर बनती है। देखो एक लेयर बनती है
करेंगे। ये सब देखो मैं ब्लड वेसल्स बना रहा हूँ, एनसीईआरटी में आप देख रहे होंगे डायग्राम है। यस यू हैव एनसीईआरटी सो यू हैव अ डायग्राम बेटा, आपके पास डायग्राम भी है। अब समझो सर, ये पांच दिन, शुरू के पांच दिन में लेवल छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर घटा और फिर एक साथ बढ़ने लगा। तो देखो बच्चों यहां लिख रहा हूं, एक से पांच दिन तक, शुरू के एक से पांच दिन, अगर किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल एक तारीख से एक तारीख रेगुलेट करता है, तो हमें यह समझना है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमेन इज, देखो तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे काम करता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक से पांच दिन का जब अपन देखते हैं सबसे पहले, हाँ बेटा इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं भैया, बिल्कुल आप इसे समझो, मैं एक एक इवेंट बताने वाला हूं। आओ, एक से पांच दिन को कहते हैं बच्चों मेंसेस फेज, लिखो क्या कहते हैं इसको, मेंसेस फेज। एक से पांच दिन, कुछ महिलाओं में ये सात दिन का भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है बच्चों, ब्लीडिंग कि बॉडी से ब्लड वेसल्स, याद करो वेजाइना में एक लेयर बन रही थी जिसका नाम था स्ट्रेटम फंक्शनलिस, याद आ रहा है, कितने लोगों को याद है स्ट्रेटम फंक्शनलिस, मैंने ओवरी में पढ़ाया था आप लोगों को, किसी को रिकॉल हुआ है क्या What is stratum functionalis? No. तो देखो सुनो, menses phase यानी ब्लीडिंग में ब्लड बाहर निकलता है एक से पांच दिन तक, उसके बाद ये मान सकते हैं अपन सात से तेरह दिन तक, 13 days तक ओवम मैच्योर होता है, ओवम प्रोलिफरेट करता है, ठीक है, तो उसको अपन कहते हैं बेटा प्रोलिफिकेशन फेज, प्रोलिफिकेशन फेज, जिसमें एग अपने आकार को बढ़ाता है, साइज को बढ़ाता है और कई सारी फेजेस में चेंज होता है ओवरिया के बाद, प्राइमरी ओसाइट को कंप्लीट कर लेता है, फिर सेकेंडरी ओसाइट में आता है बच्चों, फिर उसके बाद वो याद करो थीका इंटरना एक्सटर्ना कैविटी वगैरह बना लेता है। प्रोलिफिकेशन फेज 14 डे, 14वें दिन उसमें होता है बच्चों ओव्यूलेशन। बोलो 14 डेज पे क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा, क्या होगा बच्चों ओव्यूलेशन होगा। इसके बाद 15 डेज से 28 डेज तक इसको कहते हैं बेटा पोस्ट प्रोलिफ्रिकेशन
fees. Post qualification fees. ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ वुमन इज कॉल्ड मेंसेस. मेंसेस कह देंगे बच्चों को. क्या कहेंगे? मेंसेस. अब सुनो तो सर, 15 से 28 दिन वो है जब ओव्यूलेशन से एग बाहर नहीं आए और 14वें दिन ओवम बाहर निकला. कौन बाहर निकला बच्चों? ओवम बाहर निकला. तो ये तो कौन से फेजेस हैं बच्चों? ये सब ब्लड वेसल्स. अब देखो, 1 से 5 तक ये टूट रही हैं, फिर 7 से 15 तक ये थोड़ी बड़ी हो गई और फिर उसके बाद उनका साइज बेटा बढ़ता चला जा रहा है. तो देखो, अब इसके बाद सर अपन क्या समझे यहां पर? तो हमारी बॉडी के अंदर 2 हार्मोन होते हैं. तो मैं यहां बनाना चाहूंगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड, मैं यहां लिख रहा हूं पिट्यूटरी ग्लैंड. लिखो बच्चों ऊपर ही ऊपर हम क्या लिख रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड. इसमें क्या होता है बच्चों? 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं. एक तो होता है LH, ये सिंपली ऐसे आता है और सडनली ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है और फिर बस ऐसे. दिस इज LH हार्मोन. क्या हार्मोन है प्रिया यादव? LH. आर्यन, LH हार्मोन. तो देखो सर, LH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन. बताओ क्या हार्मोन है? ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन. और ये ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन के लिए ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है. रेस्पॉन्सिबल है, लिख लो बच्चों. ये ओव्यूलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी ओवम बाहर निकलेगा LH की वजह से. बताओ बच्चों किसकी वजह से निकलेगा वो? LH की वजह से. इतना क्लियर है? तो इसको कहते हैं बेटा LH हार्मोन. LH हार्मोन. दूसरा एक और हार्मोन होता है बच्चों और उसको कहते हैं अपन फॉलिकल स्टिमुलेटर. तो वो हाईली रहता है बच्चों. इसको कह रहे हैं अपन FSH. क्या कह रहे हैं बच्चों इसको अपन? FSH. बताओ क्या कह रहे हैं अपन इसको? FSH. अब आवाज आ रही है नीरज? हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं बच्चों अपन? FSH. दिस इज हार्मोन इज कॉल्ड FSH. लिखो बच्चों इसके बारे में. सो दिस इज FSH. LH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? ओव्यूलेशन के लिए. FSH किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर्मेशन के लिए. Responsible for formation of follicles. लिखो. Responsible for formation of follicles.
ठीक है बच्चों, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो? फॉलिकल के फॉर्मेशन के लिए। अब आ गया ठीक है, अब ये चीज समझो बच्चों, इतना क्लियर है क्या सर? इट इज द कंपल्सरी द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ 28 डेज। चेतना ये कंपलसरी नहीं है कि किसी फीमेल्स में 29 डेज का हो सकता है, किसी फीमेल में 30 डेज का हो सकता है, लेकिन चेतरा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो एवरेज लगाते हैं ना, एवरेज पूरी दुनिया के अंदर जो एवरेज माना जाता है हमारा, वो 28 डेज। कितने दिन का है बच्चे? 28 डेज का। अभी क्लियर है चेतरा? एवरेज हम 28 डेज का मानते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर हम देखें तो सब में ये वैरी कर देता है। कुछ लोगों में 27 दिन का रह जाता है, कुछ लोगों में 29 से 30 दिन तक भी चला जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एक एवरेज मानते हैं 28 डेज का, ठीक है? ओके। अब तो सर वहां एक हार्मोन LH और एक है बच्चों यहां पर FSH। ओके, अब हम क्या करें? अब एक दूसरा फिनोमेनोसिस। तो ये तो हो गया बच्चों आपके पिट्यूटरी का खेल कि पिट्यूटरी क्या कर रही है। अब हमें समझना है बेटा दूसरा, ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सर वॉइस गूंज रही है, नीरस करेंगे कुछ इसका इलाज भी भाई। देखो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ओवरी के अंदर चेंजेस देख रहे हैं। ओवरी ओवरी में क्या हो रहा है? तो देखो बच्चों, ओवरी से भी दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं। पहले ओव्यूल के बारे में देखो, ये ऊगोनिया था। क्या था बच्चों? ये ऊगोनिया, फिर ये ऊगोनिया प्राइमरी ओसाइट में बदला, प्राइमरी साइड में। फिर इसके बाद इस पर एक लेयर आई बच्चों, ठीक, सेकेंडरी साइड। फिर इसके बाद यहां पर आकर के ये एक कार्पस यूटीएम में बदल गया। किसे मतलब बच्चों? कार्पस यूटीएम में। और कार्पस ल्यूटियम के बाद अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये बना रहता है, और अगर नहीं होता है तो ये बाद में फिर वापस से डिटैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और जब ये छोटा या श्रिंक हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कार्पस एल्बिकेन्स। बोलो बच्चों क्या कहोगे आप इसे? कार्पस एल्बिकेन्स। तो कार्पस एल्बिकेन्स कब स्ट्रक्चर आया? कार्पस एल्बिकेन्स जब आया, जब उसके अंदर जो कुछ चेंजेस हुए, और वो चेंजेस कैसे हैं देखो सुनो सर। ये था प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, फिर इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद आप देख रहे हो बच्चों यहां पर उसको अपन कह रहे हैं कार्पस यूटीएम, कार्पस यूटीएम। और इस कार्पस यूटियम में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहां से एक ओवम बाहर निकल रहा है, ओवम रिलीज हो रहा है। ओवम क्या हो रहा है बच्चों? रिलीज हो रहा है, और इसको कहते हैं कार्पस एल्बिकेन्स। बोलो
इसको क्या कह रहे हैं कार्पस एल्बिगेंस, इतना क्लियर है क्या? और कार्पस एल्बिगेंस वापस फिर छोटा होता चला जाता है और टीवी जनरेट हो जाता है बहुत छोटी स्पेस पे जाता है। डायग्राम सभी को दिख रहा है अपनी एनसीईआरटी में? कितने लोगों ने देखा डायग्राम बच्चों? इसके बाद तीसरा इवेंट सुन लो बच्चों, और वो होता है दो हार्मोन्स का, जिन्हें हम फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे उसको? फीमेल सेक्स हार्मोन। वो कैसे होते हैं? तो देखो, हार्मोन, ओवेरी हार्मोन, एक तो होता है बच्चों एस्ट्रोजन और एक होता है बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन। तो सबसे पहले क्या समझेंगे अपन? देखिए, एक को तो क्या कहते हैं बच्चों अपन एस्ट्रोजन और दूसरे को क्या कहते हैं बच्चों प्रोजेस्ट्रॉन। तो देखो, सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल समझते हैं। एस्ट्रोजन पहले कम होता है, फिर वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता है, और 14 डेज तक काफी ऊपर रहता है, क्योंकि एग की देखभाल करनी है उसको। किसकी देखभाल करनी है बच्चों? एग की। तो ये जब एग की देखभाल करता है, जब एग निकल जाता है, वो फर्टिलाइज नहीं होता, तो वो बहुत लो हो जाता है, कम हो जाता है। This is estrogen hormone. You can say estrogen hormone. तो मैं यहाँ लिख दूँ बच्चों, This is estrogen hormone. बताओ, इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों? Estrogen hormone. और इसी के अंदर अगर समझो, तो एक हार्मोन होता है बच्चों progesterone. पहले उसका लेवल कम होता है, लेकिन ओवुलेशन के बाद वो सडनली बढ़ने लगता है, और उसको कहते हैं बेटा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, क्योंकि वो ओवरी को मेंटेन करता है। सर, ड्यूरिंग सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम लाइनिंग अटेन्स थिकनेस ऑफ, हाँ बिल्कुल, ड्यूरिंग सीक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियल लाइनिंग अटेन्स थिकनेस ऑफ, ये बेटा हमारा जो एंडोमेट्रियम होता है, उस एंडोमेट्रियम को ये मेंटेन कर लेता है। कौन? प्रोजेस्ट्रॉन। कौन मेंटेन कर लेता है? प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, अब देखो यहां से, तो इसको अपन क्या कहेंगे बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन। दिस हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। This is progesterone. ठीक है? क्या समझ में आ गया बच्चों? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन की फंक्शन यहां तक अब समझ। तो सर इनका क्या काम है? देखो, वहां हमने लिखा ल्यूटियल हार्मोन ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और FSH हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल्स। और FSH हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बच्चों? फॉलिकल्स के लिए। अब आगे इधर सुनो, देखो इसके साथ आप दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है बच्चों? फॉलिकल फेज। इसके बाद दूसरी चीज समझो बच्चों यहां से, कि इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन एस्ट्रोजन हार्मोन K
केयर करता है बच्चों एग की, किसकी केयर करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन एग की। तो एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? केयरिंग ऑफ ओवम। लिखो बच्चों, एस्ट्रोजन हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? केयरिंग ऑफ हार्मोन। सर वो केयर करता है किसकी? हार्मोन एस्ट्रोजन। और एक होता है प्रोजेस्ट्रोन, प्रोजेस्ट्रोन। और ये क्या करता है बच्चों? ये कैरी करता है बेटा कैरी या मेंटेन मेंटेन ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ये यूट्रस को मेंटेन करता है इम्प्लांटेशन के लिए। किसके लिए बच्चों? मेंटेन करता है यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन। इतना क्लियर है? तो ये मेंटेन करता है बच्चों किसको? यूट्रस को फॉर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा, जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो उसको मेंटेन किया जाएगा बच्चों। और मेंटेन किसकी वजह से किया जाएगा वो हम जानते हैं। आज बेटा इतना ही, कल हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर और जो भी होगा वो बन देखेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।